वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अज का इतिहास लेके आप सिख संगतां दे सन्मुख हाजिर होया हाँ। अज 3 नवंबर, यह दिन सिख धर्म दे विच अपनी एक बड़ी वड्डी थां रखदा आ। यह दिन सिखां दीआं ओ पाईआं होईआं अहम कारवाईआं, जिन्हां कारवाईआं दी बदौलत दुश्मनां नूं खुआर होना पिया, मूंदी खानी पई। मीर मनु लाहौर दा सूबेदार बनता है, ते इंदे पर थाए सिखां दे विच एक कहावत बन चुकी सी कि मैनू साडी दात्री असी मनु दे सोए, ज्यों ज्यों मनु वड़दा सी जूणे चौणे होए। मीर मनु दे कतलां दी जिहड़ी लड़ी है वह बहुत लंबी है। कई विद्वानों ने जिक्र किया कि मीर मनु ने अपने थोड़े जे ही लाहौर के जीवन काल के राजकाल तकरीबन 15,000 तो लैके 25,000 सिखां नू कतल करवाया। जंग के मैदान में जिहड़े लड़के शहीद होए वह वक्रे, तकरीबन 15,000 तो लैके 25,000 सिखां नू लाहौर या होर कई थावां ते इन्हें शहीद करवाया। इन्हें एक सिखणिया का जां गुरु के जिहड़ियां बच्चियां ने उन्हां दा एक जथा गिरफ्तार करके पिंडां दे विच्चों सिख औरतां गिरफ्तार करवा के लाहौर लियांदियां ने, कैद दे विच पाईआं ने। उन्हां तों सख्त मशक्कत कराई जांदी है, जिथे मशक्कत कराई जांदी है उन्हां नूं आटा पीण वास्ते कहा जांदा है, अद्धी अद्धी रोटी उन्हां नूं खाण वास्ते दित्ती जांदी है। जिन्हां दे कोल बच्चे ने उन्हां दे बच्चियां दे टोटे टोटे करके उन्हां मावां दे गल विच पाए जांदे ने। जिहड़ियां सिख औरतां जिन्हां नूं बच्चा होण वाला आ उन्हां दे पेट उपर वड्डे वड्डे भारे पत्थर रख के उन्हां दे बच्चियां नूं उन्हां दे पेट विच ही मारिया गया। बड़ा कोहराम इन्हें मचाया। इहनूं पता लगा कि लाहौर तों 26 किलोमीटर दूर मलकपुर पिंड दे विच गन्ने दे खेत विच एक सिखां दा जथा लुकिया होया है। सिखां नूं भी इस गल दा पता सी कि मीर मनू नूं जदों इह गल पता लगी उह हंकार विच अन्ना होया, सिखां दे वैर विच अन्ना होया, जरूर इधर नूं आएगा। किसे जासूस ने या इह कह लईए सिखां ने आप ही उहदे तक इह गल पहुँचा दित्ती कि असीं गन्ने दे खेत विच लुके, क्योंकि उहनां नूं पता सी कि हंकार दा मारिया थोड़ी गिनती विच आएगा ते असीं इहनूं घेर लवांगे। इह अपणियां थोड़ियां जिही गिनती दे विच तकरीबन 5,000 फौज लैके इन्हें गन्ने के खेत में घेरा पा लिया। गन्ने के खेत में जिहड़ियां सिख फौजां सन वह भी थोड़ियां सन। जदों उन्हां नूं पता लगा कि यह 5,000 फौज लैके गन्ने के खेत में घेरा पा के खलोता है तां सिखां ने अंदरों गोलियां चलाउणियां शुरू कर दित्तियां। जदों गोलियां चलाउणियां शुरू कीतियां तां मीर मनू अपने घोड़े के उपर सवार है, गोलियां दे खड़ाक करके इहदा घोड़ा डर गया, त्रबक गया। त्रबक के घोड़ा पिछे जाण दी बजाए, क्योंकि पिछे फौजां सन, उधर जाण दी बजाए गन्ने दे खेत वल नूं भज पिया। जदों गन्ने दे खेत नूं भज्या तां मीर मनू जिहड़ा घोड़े दे उपर सवार आ उहदा पैर थिड़किया, रकाब दे विच फसिया। रकाब दे विच फसिया घोड़ा दौड़िया जा रहा है, इह जमीन दे उपर घड़ीसिया जा रहा है। इस तरीके नाल गन्ने दे खेत दे विच घोड़ा भी वड़िया ते मीर मनू भी वड़िया। जिन्हां ने कदे गन्ने दे खेत विच आप वड़ के वेख्या उन्हां नूं पता होएगा उन्हां दे पतलियां पतलियां जिहड़ियां छिलतरां हुंदियां ने, छोटे छोटे उन्हां दे जिहड़े पत्तर हुंदे ने, वह ब्लेड नालों भी वध काट बंदे दे उपर करदे ने। इस तरीके दे नाल घोड़ा सारा गन्ने दा खेत पार करदा आ। मीर मनू दे सिपाहियां दे घोड़े दे मगर भजदे ने, इहनूं जिवें किवें रोकिया जावे, जानवर ते जानवर आ, उह डरदा होर अगे नूं भजदा आ। जदों इस तरीके नाल उह गन्ने दे खेत विचों भजदा आ तां मीर मनू सारा ही लगभग गन्ने दीआं छिलतरां दे नाल टोटे टोटे हो जांदा है, कहिण तों भाव सारे शरीर ते इहदे फट पै जांदे ने। जदों इहनूं बाहर उस घोड़े नूं रोकिया जांदा है जिवें किवें करके, ते इहनूं जदों चक्किया जांदा है तां इह बेहोश हुंदा है। बेहोशी इन्नी डूंघी हो जांदी है इहनूं होश नहीं आउंदी। ते अज दे दिन 3 नवंबर 1753 नूं मीर मनू सिखां नूं गिरफ्तार करन आया, रब दे हुक्म दे विच इस संसार तों कूच कर गया। जिस दुश्मन ने सिखां वास्ते कंडे बीजे सन, असल विच वह चाहुंदा ते इह सी कि मैं सिखां नूं बर्बाद करना आ,
परंतु कुदरत ने अपना नियम वरता कि एक बार फिर मीर मन्नू नूं सुनेहा दे दिता सी, दुनिया नूं सुनेहा दिता सी कि जे कोई बंदा रब दे प्यारां नाल वधीकी करदा आ ਉਹ ਤਤਕਾਲ ਤੋਂ ਮਾਰਾ। ਇਹ ਬਚਨ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀਰ ਮੰਨੂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਮਿਲਦਾ ਆ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਹੀ ਫਿਰ 3 ਨਵੰਬਰ 1753 ਨੂੰ ਜੋ ਬੀਬੀਆਂ ਲਾਹੌਰ ਕੈਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਇਹੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਗੰਨੇ ਦੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਇਹ ਲਾਹੌਰ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।